बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन इब्रहीम डर स्टूडेंट अलैक्म कोर्स टाइटल है लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे वो हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी हम इसकी कुछ एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे देखें ये जो जर्नल फार्मूलाज हैं ये इनफैक्ट ये ये डायमेंशन हमें बताते हैं और हमें उसकी डायमेंशन बताते हैं किस डायमेंशन से किस से डायमेंशन में चेंज होते हैं और ये बताते हैं कि वो डिफाइड जब होते हैं तो किस तरह के फंक्शन बनते हैं तो इसमें हमने लास्ट टाइम तक जो किया था हमने इसके फार्मूले पढ़े थे यहाँ तक पढ़ दिए थे हमने डायलिशन तक आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम कंटेक्शन पढ़ने जा रहे हैं देखिए कंटेक्शन किस वक़्त होती है हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर जो होते हैं बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर डायलेशन होती है और जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उसमें कंटेक्शन शुरू हो जाती है कंटेक्शन जब भी होती है वो वॉल्यूम के अंदर होती है ठीक है जबकि यहाँ पर जब हमने डायलेशन की बात की थी तो वो भी हमने वॉल्यूम के अंदर ही बात की थी मतलब तीनों तीन, तीन डायमेंशन थी तीनों डायमेंशन के अंदर कंटेक्शन हुई थी ठीक है थोड़ी आ, डायलेशन हुई थी थोड़ी थोड़ी ठीक है तो इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है देखिए डायलेशन का और कंटेक्शन का जो फॉर्मूला है वो सेम है ठीक है आ, लेकिन जब डिफाइन करते हैं तो वो भी एल एफ यू इज इक्वल ये भी एल एफ यू ऑफ आर यू है फर्क कहाँ पर आता है यहाँ पर आर ग्रेटर है और यहाँ पर आर जो होता है वो जीरो और वन के दरमियान होता है आर ना जीरो होगा ना ही आर वन होगा लेकिन ये जीरो से वन तक वेरी करता चला जाता है तो इस केस के अंदर हम कहते हैं कंटेक्शन में एल एल इज फ्राम आर क्यू टू आर क्यूब इज डिफाइंड बाई रोटेशन रोटेशन rotation. Rotation, rotation दो तरह की होती है एक क्लाक वाइज होती है एक एंटी क्लाक वाइज होती है हम जो क्लाक वाइज रोटेशन होती है और ए, 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 उसको हम नेगेटिव uh, लेते हैं और जो काउंटर क्लाक वाइज होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम काउंटर क्लाक वाइज की मतलब काउंटर क्लाक वाइज मीन एंटी क्लाक वाइज रोटेशन थ्रू एन एंगल फाइव तो मतलब जिसमें रोटेशन जो हुई है वो फाइव हुई है लेकिन ये एंटी क्लाक वाइज हुई है तो इसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं एल फ्राम आर टू टू आर टू इज डिफाइंड बाय एल ऑफ यू इज इक्वल टू काल्स फाइव माइनस सान फाइव एंड साइन थीटा का थीटा यहाँ पर यू वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर याद रखें ठीक है यहाँ पर देखें ये है काज फाइव काज फाइव का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन फाइव मतलब ये काज है तो ये माइनस साइन यहाँ पर साइन है तो इसका डेरिवेटिव काज फाइव हो गया ठीक है तो ये याद रखने के लिए ऐसा है कि यहाँ पर पहले जब भी आर टू टू आर टू तक जाएंगे पहले कंपोनेंट होरिजेंटल कंपोनेंट होगा होरिजेंटल कंपोनेंट का आगे डेरिवेटिव आ जाएगा फिर इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट होगा आगे वर्टिकल कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा और यो जू यू है वो वैसे के वैसे आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है जी शेयर इन एक्स डायरेक्शन तो जो शेयर होती है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर वो किस तरह से होती है एल फ्रॉम आर टू टू आर टू इज डिफाइंड बाय U, ये यहां पर हो जाता है वन के जीरो वन के, के जो है कोई भी कांस्टेंट है ये हम हेयर किस तरी, किस तरह के मटेरियल पर लग रही है ये उसकी रिजिटी रिजिडिटी बताता है कि के मतलब उसकी रिजिडिटी ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है लिहाजा हम कहते हैं कि जब भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे यू की यू वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ ही एक मैट्रिक्स आ जाएगा वन के जीरो वन ये थी एक्स डायरेक्शन के अंदर जब एक्स डायरेक्शन के अंदर है तो ये वन के जो है हॉरिजेंटल रो के अंदर है ठीक है ये हॉरिजेंटल रो के अंदर है लेकिन जब व्यक्त की इज एन स्केलर लेकिन जब हम बात करेंगे शेयर इन वाई डायरेक्शन की तो ये जो वन के ये रो के अंदर थी ये ट्रांसपोज आ जाएगा इसका ये रो पहली रो कालम में चेंज होगी वन के आ गया दूसरी रो भी कालम में चेंज होगी जीरो के आ गया मतलब जब हम शेयर इन एक्स डायरेक्शन लेते हैं तो उसका जो मैट्रिक्स होता है इसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है बाकी ये यू वैसे का वैसे रहता है ठीक है मतलब यहाँ पर वन के थी ये रो कालम में बदल के वन के हो गई ये जीरो वन थी ये कालम में बदल के जीरो वन हो गई यू आ गया ठीक है जी ये था शेयर इन बाय डायरेक्शन

और हमने फाइंड फाइंड करना है हमने इसकी वैल्यू करनी माइनस थ्री फोर टू की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पर देखें हमें रिक्वायर्ड क्या है माइनस थ्री फोर टू मैंने इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं जो ये आ, चलिए मैं आगे बताता हूँ ये पहले सबसे पहले मैंने इसको माइनस थ्री फोर टू को मैंने वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया मैंने कहा सीन्स माइनस थ्री फोर कॉमा टू इज इक्वल टू माइनस थ्री कॉमा हटा के आई लगा दिया प्लस लगाया फिर फिर फोर इसके साथ जे आ गया फिर प्लस लगाया फिर टू के आ गया दैट इज इक्वल टू वन हो गया ठीक है अब देखिए यहाँ पर हियर आई जो है आई इज इक्वल टू वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो जे क्या है मा वन कॉमा जीरो के क्या है जीरो हमने टू कह दिया इक्वेशन इसको, इसको फोर कह दिया अब देखिए हम इसका दो साइड पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो देखते हैं यहां पर मैंने इसके साथ भी एल अप्लाई कर दिया इसके साथ भी एल अप्लाई किया सारे के साथ अब क्योंकि एल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एल हर एक के साथ आ जाएगा एल एफ माइनस थ्री कोमा फोर कोमा टू इज इक्वल टू ये माइनस थ्री आ गया एल एफ आई आ गया फोर कांस्टेंट है शुरू में आ गया एल अप्लाई हो गया जी के ऊपर प्लस टू कांस्टेंट है शुरू में आ गया आ गया एल अप्लाई हो गया के के ऊपर ठीक है जी इसके ऊपर हम इसकी एल एफ आई की वैल्यू इस्तेमाल आई की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं आई एल एफ आई है ना आई किसके बराबर वन जीरो जीरो जे किसके बराबर है जीरो कोमा वन कोमा जीरो के किसके बराबर है 0, 1, 0, ज़ीरो कॉमा जीरो कॉमा वन मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ यूजिंग वैल्यूज फ्राम टू थ्री एंड फोर हियर एल एफ माइनस थ्री कॉमा फोर कॉमा टू विच इज इक्वल टू माइनस थ्री एल एफ आई किसके बराबर आ गया एल एफ आई हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा मैं आई की वैल्यू पुट करूँगा आई किसके बराबर है जी आई मेरे पास बराबर है वन कोमा जीरो कोमा जीरो वन कोमा जीरो कोमा जीरो प्लस फोर वैसे का वैसे जे किसके बराबर आ गया जे आ गया जीरो कॉमा वन कोमा जीरो जीरो वन कोमा जीरो प्लस टू के एल वैसे का वैसे के किसके बराबर आ गया के मेरे पास यहाँ पर बराबर आ गया के जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन के बराबर है ये जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन हो गया तो एल ऑफ माइनस थ्री फोर कॉमा टू दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है ये एल एफ वन कॉमा जीरो जीरो मैंने ये यह यहाँ कटिंग हो गई थी दोबारा मैंने वैसे लिख दिया एल एफ वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो रिपीट कर दिया प्लस फोर एल एफ जीरो कॉमा कॉमा वन जीरो प्लस टू एल एफ जीरो कॉमा जीरो यूजिंग गिवन वेडियर मैं इनकी वेडियो फुट कर देता हूँ एल एफ माइनस थ्री कोमा फोर कॉमा टू

ये टू आ गया एल ऑफ जीरो माइनस वन कोमा टू के बराबर आ गया तो ये क्या एल ऑफ माइनस थ्री कोमा टू इज इक्वल टू ये माइनस सिक्स थ्री प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई किया ये भी अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स माइनस थ्री इंटू माइनस वन इंट थ्री प्लस फोर थ्री इज ट्वेल्व फोर वन इज फोर प्लस टू माइनस वन माइनस टू 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 फोर तो एल ऑफ माइनस थ्री कॉमा फोर कॉमा टू इज इक्वल टू ये मैंने पहले तीनों ऐड कर दिया माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व माइनस टू आ गया कॉमा दूसरा दूसरे में ऐड पहले ही पहले में ऐड कर दिया दूसरा दूसरे में ऐड हो गया थ्री प्लस फोर प्लस फोर थ्री प्लस फोर प्लस फोर आ गया तो एल ऑफ माइनस थ्री कोमा फोर कामा टू बीच इज इक्वल टू फोर आ गया कोमा इलेवन हो गया मोर जनरली हम इसे अगर मजीद भी जर्नरली करना चाहें तो इसके एन कंपोनेंट भी हो जाए तो तब भी हम इस, इस तरीके से लिख सकते हैं इफ यू इज इक्वल टू यू वन कॉमा यू टू कोमा यू थ्री सोन यू एन इज एनी वेक्टर इन आर एन वेयर E1 जब n n कंपोनेंट कंपोनेंट हो हो गए e के भी n हो जाएंगे जीरो e e e मतलब जो e का नंबर है उसकी जगह पर वन आएगा बाकी सारे जीरो e1 था तो पहला वन e2 था तो दूसरा वन है बाकी सारे जीरो थ्री e है तो तीसरा वन होगा बाकी सारे जीरो ई एन है तो आखिरी एन वाला वन होगा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में है जी लेट एल ऑफ पी वन टू पी टू ये पोलिनियल की बात करें यहां पर ठीक है लेट एल फ्रॉम पी वन टू पी टू बी डिफाइंड बाई एल ऑफ ए टी प्लस बी इज इक्वल टू टी इंटू ए टी प्लस बी इट इज ये डिफाइंड बता दी उसने फार्मूला बता दिए जब भी एल अप्लाई होगा साथ टी आ जाएगा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा शो दैट एल इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताना है कि एल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी हम यहां पर सॉल्व करेंगे बिलोंग टू पी वन फॉर आल यू वी बिलोंग टू पी वन हमने प्रूव क्या करना है एल ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एल एफ यू प्लस एल एफ वी ये प्रूव करना है यहाँ पर हमने लैट कर दिया यू जो है ये ए टी प्लस बी के बराबर है और वी जो है सी टी प्लस डी के बराबर है मैंने कहा ये दो यू और बी हमारे पास दो वैक्टर है पी वन के अंदर और एक हमने स्केलर लेट कर लिया स्केलर दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमने लेट किया है के बी एन स्केलर देन एल ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एल एफ मैंने यहाँ पर यू वी की वैल्यू पुट कर दी ये एल वैसे के वैसे ब्रैकेट वैसे की वैसे u की जगह ए टी प्लस बी आ गया प्लस b की जगह सी टी प्लस डी आ गया l ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू एल ऑफ मैंने क्या किया मैंने पहले को पहले में ऐड कर दिया a और c आ गया a प्लस सी इंटू टी आ गया प्लस b प्लस डी कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड हो गया फिर l ऑफ u प्लस बी वैसे कि वैसे जब l अप्लाई हो गया तो बाहर t से मल्टीप्लाई हो गया तो मैंने t से मल्टीप्लाई किया बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा बाकी हम ये टी सबसे मल्टीप्लाई हो गया ठीक है पहले से भी दूसरे से भी अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा एल एफ यू प्लस टी इज इक्वल टू ए सी ए प्लस हो गया प्लस दूसरे के साथ लिखेंगे बल्कि ये मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है पहले का लिखा हुआ है ये ब्रैकेट ना लगाएं फिर आप ठीक है यही आएगी मैंने मल्टीप्लाई करके टी पहले के साथ अलग लिखा दूसरे के साथ मैंने अलग लिख दिया है तो ये A plus C, T into T, T square हो गया प्लस बी प्लस डी ये टी वैसे का वैसे अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूं। राइट हैंड साइड में क्या है एल u यू प्लस एल एफ मैंने एल of यू प्लस एल एफ बी लिया दैट इज इक्वल टू एल of ए टी प्लस बी प्लस एल एफ सी टी प्लस डी एल एफ यू प्लस एल एफ बी इज इक्वल टू अब ये हमारे एल जब अप्लाई हुआ तो साथ टी मल्टीप्लाई हो गया सीमिलर्दी जब एल इस पर अप्लाई हुआ तो टी साथ मल्टीप्लाई हो गया एल एव यू प्लस एल एफ बी इज इक्वल टू ए टी स्क्र प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र प्लस डी टी ये मल्टीप्लाई हो गया इसके बाद मैंने सकेअर वाले अलग करके इकट्ठे कर दिए जो टी वाले थे उनको इकट्ठा कर दिया मैंने देखा इसकी इसकी इसका और इसका आंसर ये बिल्कुल सेम हो गया बाय एक टू एंड थ्री वी सी दैट एल लव यू प्लस बी इज इक्वल टू एल लव यू प्लस एल एफ वी हो गया प्रॉपर्टी वन ई सेटिस्फाई नो वी प्रूव दैट अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि एल लव के यू इज इक्वल टू के इन टू एल लफ यू लेफ्ट हैंड साइड है मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा रहाँ एल ऑफ के इन यू दैट इज इक्वल टू मैंने क्या किया के इंटू यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी यू किसके बराबर था यू मेरे पास ए टी प्लस बी के बराबर था, था। यहाँ पर के वैसे का वैसे रहा यू की जगह ए टी प्लस बी डाल दिया तो हमने कहा कि जब बी एल अप्लाई होगा साथ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले मैंने के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया के ए टी प्लस बी के बी ठीक है इसके बाद जब एल अप्लाई हुआ तो क्या हो गया एल अप्लाई होने के बाद टी साथ ये बताता है फार्मूला कि जब भी एल अप्लाई होगा टी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब मैंने एल को अप्लाई कर दिया तो टी मल्टीप्लाई हो गया अंदर वाला वैसे का वैसे के ए टी प्लस के बी वैसे का वैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया टी को अंदर तो ये क्या हो गया ए के टी स्क्र प्लस के बी आ गया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड साइड ले तो राइट हैंड क्या के एल ऑफ यू अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है? है। तो इसके लिए मैंने पर पर देखता हूं। इसकी राइट दी है यहां पर। राइट हैंड हैंड साइड साइड दी थी के एल की ये जब मल्टीप्लाई होगा क्या होगा के ए टी इंटू टी टी प्लस के बी इन टी ये मल्टीप्लाई अब हमने देखा हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं क्या इज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एल इज ए लीनियर एग्जांपल है बिल्कुल ऐसी ही है एल फ्रॉम पी वन टू पी टू बी डिफाइंड बाइ एल पी एफ टी इक्वल टू टी पी एफ टी प्लस टी स्कूल डिफरेंट यहां पर है वहां पर सिर्फ एक दफा टी मल्टीप्लाई होता था यहां पर क्या होता है पी एफ टी के साथ पहले टी मल्टीप्लाई होता है बाद में टी का स्क्वायर हो जाता है ठीक है हमने इसको प्रूव करना है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है तो सोल्यूशन में हमने देखा लेट पी एफ टी एंडर इन पी वन एंड के बी एनी स्केलर देन मैंने एल एफ पी एफ टी मैंने दो एलिमेंट ले लिए एक पी एफ टी ले लिया एक क्यू एफ टी ले लिया इनकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिफाइन कर दी एल ए पी एफ टी आया तो पी एफ टी के साथ पहले टी मल्टीप्लाई हुआ बाद में टी का स्क्वायर होके ऐड हो गया क्यू एफ टी के साथ आया पहले टी क्यू एफ टी के साथ मल्टीप्लाई होगा हो गया बाद में टी स्क्वायर इसके अंदर ऐड हो गया ये आर फर्स वी प्रूव दैट फॉर आल पी एफ टी क्यू एफ टी बिलोंग टू पी वन एल आफ पी एफ टी प्लस क्यू एफ टी इज इक्वल टू एल आर पी एफ टी प्लस एल एफ क्यू एफ टी ये हमने प्रूव करना है ये मैंने यहाँ पर टारगेट लिख दिया है मैं प्रूव करने ही जा रहा हूँ दस वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वन फोर मैं इक्विजन फोर की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा है कि एल आफ टी प्लस क्यू एफ टी अब देखिए जब इस पर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड दी है इसकी जब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड दी है तो हमने यहां पर देखा जब एल अप्लाई हो गया तो टी पहले इस जो भी अंदर है उसके साथ टी मल्टीप्लाई हो गया बाद में टी स्केयर अलग आ गया मैंने इस फॉर्मूले को देखते हुए मैंने लिखा जो भी अंदर होगा पहले वो टी से मल्टीप्लाई होगा बाद में टी का स्केयर ऐड हो जाएगा लिहाजा यहाँ पर एल ऑफ पी टी प्लस क्यू ऑफ टी था पहले क्या हुआ टी से ये जो भी अंदर था ये टी से मल्टीप्लाई हुआ बाद में टी का स्क्वायर हो गया ठीक है इसके बाद मैंने क्या लिखा एल आ पी एफ टी प्लस क्यू एफ टी इज इक्वल टू मैंने अंदर टी स्क्वायर को शुरू में लिखा टी इंटू पी एफ टी लिख दिया टी को टी इंटू प्लस क्यू आफ टी लिख दिया ये टी इंटू क्यू एफ टी अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ राइट हैंड साइड लेता हूँ दोनों के आंसर इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये लेप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी लेकिन यहाँ पर मैंने देखा नो वी टेक राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन Four. जब मैंने इसकी राइट हैंड साइड ली राइट हैंड साइड क्या थी जी, एल ऑफ एल ऑफ पी एफ टी प्लस एल ऑफ क्यू ऑफ टी t के साथ टी मल्टीप्लाई हो गया बाद में टी स्क्वायर ऐड हो गया प्लस एल ऑफ क्यू ऑफ टी के साथ पहले टी मल्टीप्लाई हो गया बाद में टी स्क्वायर इसके अंदर ऐड हो गया ठीक है तो हमने देखा यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री एक्वन टू और थ्री हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है तो ये क्या हो गया एल ऑफ पी एफ टी प्लस एल ऑफ क्यू आफ टी दैट इज इक्वल टू मैंने इसे सिंप्लीफाई किया ये भी टी स्कर ये टी स्केयर इधर आ गया प्लस ये टी पी एफ टी ये टी क्यू आफ टी आ गया ठीक क्या हो गया एल एफ पी एफ टी प्लस एल एफ क्यू एफ टी क्या हो गया टी स्केर टी स्के स्केर प्लस ये क्या आ गया टी पी एफ टी प्लस टी क्यू एफ टी हमने देखा बाय इक्वेशन फाइव एंड सिक्स ये दोनों बराबर नहीं है ठीक है जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब एल आर पी एफ टी प्लस क्यू एफ टी इज नॉट इक्वल टू एल आफ पी एफ टी प्लस एल ऑफ क्यू एफ टी वही कंक्लूड दैट एल इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफार्मेशन इसका मतलब एल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो एल क्या है नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आप प्रॉपर्टी टू भी प्रूव करना चाहें तो कर ले मैंने प्रूव नहीं की आप ना भी करें तब भी ठीक है कर दे तब भी ठीक है दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट एल ऑफ पी वन टू पी टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच एल एफ टी प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन ये गिवन होता है हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी ये वाली एल एफ टी माइनस वन इज इक्वल टू टी कहता है जब टी में प्लस वन एड होगा तो टी स्क्वायर होने के बाद माइनस वन हो जाएगा जब टी में से वन माइनस होगा तो टी स्क्वायर होने के बाद टी एड हो जाएगा ठीक है हमने फाइंड क्या करना एल ऑफ सेवन प्लस थ्री एंड वी प्लस बी सबसे पहले पार्ट ए फाइंड करेंगे फर्स्ट वी नोट दैट ये ये वाला T minus ये जो गिवन है ये इज इधर बेसिस फॉर पी वन ये आप वेरीफाई करके देख लें ये जो है ना पी वन की बेसिस बनती हैं ठीक है मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि ये बेसिस बनती हैं आप इसको देखना भी बेसिस क्या होती हैं जो स्पेनिंग सेट फॉर्म करती हूँ और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो लिहाजा ये बेसिस हैं मैंने आपको बता दिया तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं कि हमने किस को लिखना था इन टर्म ऑफ दीज पहले हमने सेवनटी प्लस थ्री लिखना है तो सेवनटी प्लस थ्री को मैं लिख सकता हूँ मैंने इसका रिजल्ट देखा मैंने टी प्लस वन और टी माइनस वन की शक्ल में लिखना है आप ऐसा करें आप इसको लीनियर कंबिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं पहले आप ऐसा लिख दें कि सेवन प्लस थ्री थ्री इज इक्वल टू आप लिखते हैं ना तो है, रहने दे और वी वन क्या टी प्लस वन हो गया प्लस सी टू प्लस सी टू इंटू वी टू टी माइनस वन जब आप इस इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे हमारे पास जो सी वन है और उसकी वैल्यू सी वन की फाइव निकल आएगी और जो सी टू है मेरे पास उसकी वैल्यू टू निकल आएगी ठीक है और निकालना चाहे निकाल सकते हैं इसको सिंपलीफाई करने के बाद मतलब ऐसे करेंगे आप ये सेवन टी प्लस थ्री है दैट इज इक्वल टू सी वन टी प्लस सी वन प्लस सी टू टी माइनस सी टू ठीक है तो यहां पर आप टी वाले कंबाइन कर दे प्लस थ्री टी वाले ये इकट्ठे हो गए ये क्या हो गया सी वन प्लस सी टू इन टू टी प्लस सी वन माइनस सी टू यहां पर जो t का माइनस सी टू है ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के बराबर तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे यहां से टू सी वन हमारे पास निकल आएगा टेन और सी वन हो जाएगा फाइव इसी तरीके से जब आप इसको माइनस करेंगे या इसकी वैल्यू पुट कर दें तो जो सी टू निकलेगा वो टू निकल आएगा ये तरीका कार मैंने सारा आपको बता दिया ठीक है इस तरीके से हम निकालते हैं ये फाइव प्लस टू हो गया ठीक है इससे ये लीनियर कम्बिनेशन बन जाता है तो टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड मैंने इस टेकिंग टेकिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड मैंने इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली है तो क्या हो गया एल लेफ्ट सेवनटी प्लस थ्री इज इक्वल टू L of t plus plus t तो L of t क्या हो गया L of t ये मैंने इसको अलग अलग लिख दिया है ठीक है क्योंकि ये लीनियर है तो मैंने क्या किया फाइव कांस्टेंट है इस पर अप्लाई नहीं होगा क्या एल टी प्लस वन पे अप्लाई हो गया टू बाहर आ गया एल टी माइनस वन पे अप्लाई हो गया अब मैं इसकी वैल्यू यूज कर देता हूं एल एफ टी प्लस वन किसके बराबर है एल एफ टी प्लस वन टी स्क्र माइनस वन के बराबर है एल एफ टी माइनस वन किसके बराबर है टी स्क्र प्लस टी के बराबर तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें एल ऑफ सेवन टी प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव इंटू टी स्क्र माइनस वन प्लस टू इंटू टी स्क्र प्लस टी सो एल ऑफ सेवन टी प्लस थ्री इज इक्वल फाइव तो एल ऑफ सेवन टी क्या हो गया फाइव टी स्क् टू टी स्क् स्क्र एंड प्लस टू टी माइनस फाइव हो गया इसका बी पार्ट करते हैं बी पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करना था बी पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना था वट इज एल ऑफ ए टी प्लस बी हमने ए टी प्लस बी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शुरू में किया राइट ए टी प्लस बी एज ए लीनियर कंबिनेशन ऑफ गिवन बेसिस वैक्टर वी फाइंड ए टी प्लस बी बिल्कुल यही तरीका का जो हमने किया है इसी तरीके से आप इसको पहले लिख लें कि वी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू सी वन क्या है जी यहां पर ए टी प्लस बी है इज इक्वल टू सी वन वी वन किसके बराबर है टी प्लस वन है प्लस सी टू वी टू क्या टी माइनस वन है तो जब इसको आप सॉल्व सॉल्व करेंगे कंपेयर करके जो सी वन आएगा ये आ जाएगा ए प्लस बी ओवर टू और जो हमारे पास सी टू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर टू आ जाएगा ठीक है ये वैल्यू आप निकाल सकते इसी तरीके से तो इस इस तरीके इस तरीके से वैल्यू निकालने के बाद ये सी वन की ये सी टू की वैल्यू हमने पुट कर दी ये क्या बन गया ए टी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू इंट टी प्लस वन प्लस ए माइनस बी ओवर टू इंटू टी माइनस वन दोनों तरफ मैंने लेप्लास मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी ये दीयियर ट्रांसफॉर्मेशन है अप्लाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा एल ऑफ ए टी प्लस बी इज इक्वल टू एल ऑफ इंट ए प्लस बी ओवर टू इंटू टी प्लस वन प्लस ए माइनस बी ओवर टू इंट टी माइनस वन तो एल ऑफ ए टी प्लस बी क्या हो गया ए प्लस बी ओवर टू इंटू एल एफ टी प्लस बी ओवर टू ये क्या हो गया एल एफ टी माइनस वन हो गया ये एक्विजन नंबर हमने फाइव डाल दी अब देखिए यहां पर एल एफ टी प्लस वन की वैल्यू क्या टी स्क्र माइनस वन एल एफ टी माइनस वन की वैल्यू ये गिवन है यहाँ पर ये गिवन है ये सारी वैल्यू ये एल ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क् माइनस वन एल ऑफ़ टी माइनस वन टी प्लस टी हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा ये यहां पर मैंने ए प्लस बी ओवर टू ये डाला यहां पर टी स्क्र माइनस वन डाला प्लस ए माइनस बी ओवर टू ये टी स्क् प्लस टी डाल दी एल ऑफ ए टी प्लस बी दैट इज इक्वल ए प्लस बी ओवर टू इन टी स्क्र ये मैंने क्या किया ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पहले पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर इस सारे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया यही काम यहाँ किया पहले इसको पहले से मल्टीप्लाई किया फिर इसको दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया ठीक है ए माइनस वी ओवर टू इंटू टी अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं जो टी स्केयर वाले उनको कंबाइन कर दिया ये मैंने टी स्केर कामल ले लिया ए प्लस बी ओवर टू प्लस ए माइनस वी ओवर टू इंटू टी स्केयर मैंने कामल ले लिया इसमें ठीक है ये टी स्केर कामल लिया प्लस इसमें से क्या ये अलग कर दिए टी वाले अलग कर दिए ये आगे ए माइनस बी ओवर टू टी कांस्टेंट था ए प्लस बी ओवर टू इसको सिंप्लीफाई किया मैंने एल इंटू ए टी प्लस बी इंटू ये क्या हो गया टू एल्सियम लिया ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बी से बी कैंसल तो by टी से बचा प्लस ए माइनस बी ओवर टू टी माइनस ए प्लस बी ओवर टू एल ऑफ ए टी प्लस बी दैट इज इक्वल टू ये टू ए ओवर टू हो गया टू से टू कैंसिल टी स्क्र प्लस ये ए माइनस बी ओवर टू टी माइनस ए प्लस बी ओवर टू तो एल ऑफ ए टी प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए टी स्क्र प्लस ए माइनस बी ओवर टू टी माइनस ए प्लस बी ओवर टू ये वैल्यू निकला आई इसकी